सो फ्री फायर के अपडेट के बाद तुम्हें से काफ़ी लोगों को लैग देखने को मिल रहा है और पीसी प्लेयर्स को खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है। तो मैं कुछ टिप्स तुम लोग के साथ शेयर कर देता हूँ जिसके जरिए तुम लोग इस लैग को फिक्स कर सकते हो। जो हमारा माइनर लैग है वो तो कम्प्लीट फिक्स हो जाएगा, बाकी जो और FPS वगैरह के मामले में उसमें तुम्हें जाओ मैं एंड पे बता दूँ क्या करना पड़ेगा। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो गेम अपडेट होने के बाद कलेक्शन पैक कम्प्लीट डाउनलोड ना किया करो। कलेक्शन पैक सिर्फ उतना डाउनलोड किया करो जितना तुम्हें ज़रूरत है, यानी कि जो तुमने क्लोथ्स पहनने हैं बस उनको डाउनलोड कर लो। एनिमी के क्लोथ तुम्हें डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कलेक्शन पैक से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, सिर्फ वो चीज़ें डाउनलोड करो जो तुम्हें जो डाउनलोड करने की ज़रूरत है कंपलसरी। जैसे मैं मैप में सिर्फ बरमूडा या जो तुम्हें पसंद है वो डाउनलोड कर लो, बाकी जो 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 चीज़ें काम की हैं उनको डाउनलोड करो, जो काम की नहीं उनको अवॉइड करो। उनसे लैग देखने को मिलता है, तुम्हारे डिवाइस की स्टोरेज फुल होती है और तुम्हें लैग देखने को मिलता है। तो कलेक्शन पैक से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं कि कलेक्शन पैक में डाउनलोड करने से फ़र्क पड़ता है क्यों, ऐसा रीज़न क्या, ऐसा होता क्यों है। सो बेसिकली तुम्हारे पीसी में हार्ड डिस्क लगी होती है या SSD लगी होती है। जब एक कलेक्शन पैक तुम लोग डाउनलोड करते हो तो वो जगह जो फुल हो जाती है, जबकि वहाँ पे ज़्यादा जगह भी हो तो होता कुछ है कि कोई भी तुम्हारे सामने पहन के वो कलेक्शन पैक आएगा तो वो हार्ड जो उसके अंदर वो कलेक्शन पैक डाउनलोड यूज़ होगी और उसकी यूजेज जो ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने की वजह से तुम्हें एक प्रॉब्लम होगी, तुम्हारा गेम लैग होगा। अगर तुम्हारा प्रोसेसर मेरी तरह ही हल्का है तो वो तुम्हें जो ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा उस बंडल को, और जो तुम्हें लैग देखने को मिलेगा या तुम्हें पूरा कंप्लीट बंडल लिखाएगा सही तरीके से लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा, मज़ा नहीं आएगा गेम खेलने का। तो ये है कि तुम्हें जो अगर अच्छी गेम खेलें तो कलेक्शन पैक अवॉइड करना। तो मैं तुम लोगों को एक तरीका बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। बेसिकली अगर मैं फ्री फायर मैक्स जो ऑन करता हूँ कस्टम देखना है कुछ और खेल ही नहीं है गेम या लोन यूज खेलना है, तो मैं फ्री फायर मैक्स ऑन करता हूँ, उसके अंदर मैंने सारा कलेक्शन पैक डाउनलोड किया हुआ है। बट नॉर्मल फ्री फायर में मैंने कोई भी कलेक्शन पैक डाउनलोड नहीं किया हुआ, उसके अंदर मैं अवॉइड करता हूँ। और अगर मैंने कोई रैंक पुशिंग या गेम खेली हूँ तो मैं वो यूज़ करता हूँ। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, इसको ध्यान से सुना होगा तुम लोगों ने, उम्मीद है तुम्हें समझ आ गई होगी बात की। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ सेकंड रीज़न जिसकी वजह से तुम लोगों को लैग देखने को मिलता है अपडेट के बाद। अपडेट के बाद सर्वर में जो काफ़ी चेंजेस किए जाते हैं जिसकी वजह से तुम्हें लैग देखने को मिलता है, वो काफ़ी चीज़ें चेंज करते हैं और वक्त के साथ साथ वो चीज़ें जो वो नॉर्मल होती जाती हैं, यूज होती जाती हैं, उनको एरर्स वगैरह देखने को मिलते हैं और उन एरर को फिक्स करते जाते हैं, उसके साथ साथ लैग खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट करो और जो कोशिश करो कि तुम लोग जो वो गेम्स खेलो जो तुम खेल सकते हो। जिन फ्रेंड्स के पास तुम्हारे हैवी डिवाइसेज हैं उनके साथ खेलो, कोशिश करो, क्योंकि वो तुम्हें जो गेम जिताएंगे। स्पेशली आईफोन यूज़र्स उनको बिल्कुल लैग देखने को मिलता है, आई डोंट नो क्यों, मतलब उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता बट वहाँ पे बिल्कुल लैग नहीं होता। तो ये हो सकता है कि तुम उनके साथ गेम प्ले करो। थर्ड बात ये है कि तुम लोग अगर पीसी प्लेयर हो तो अपने पीसी को जो क्लीन करते रहा करो। अब क्लीन किस तरह करें, तुम्हें टेम्प प्रीफेज ये फाइल्स वगैरह क्लीन करते रहनी है। जो भी हमारे पीसी में टेम्प क्रिएट होता है गेम खेलने के बाद उसको लाजमी क्लियर करना है, और इस तरह की चीज़ें क्लियर करते रहोगे तो तुम्हारा पीसी जो है लैग फ्री रहेगा। और एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैं तुम लोग काफ़ी वीडियोज में बता चुका हूँ, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक भी आ रहा होगा, तुम सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता इसके बारे में, कि तुम जो अपने एमुलेटर की सेटिंग को जो सही से फॉलो नहीं करते, उसको अपने डिवाइस अपने जो पीसी के मुताबिक नहीं रखते। तो ये पीसी प्लेयर्स के लिए सिर्फ, तो मोबाइल प्लेयर्स के लिए नेक्स्ट टिप है, अभी ये सिर्फ पीसी प्लेयर ध्यान से सुने। अच्छा, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अपनी सेटिंग में जाके गेम अगर तुम लोग यूज़ करते हो तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन पे आ रही होगी। अगर कोई और एमुलेटर यूज़ करते हो तो तुम लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो या तुम्हारे पीसी में कौन सा जो ग्राफिक कार्ड वगैरह कौन सा सपोर्ट करता है उस हिसाब से तुम्हें यूट्यूब पर तुम्हारी लाइक की वीडियो मिल जाएगी, तुम वो देख के अपनी सेटिंग अप्लाई कर सकते हो। ब्लू स्टैक पर काफ़ी वीडियोज़ हैं, तुम लोग देख सकते हो। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि मोबाइल प्लेयर्स के लिए और पीसी प्लेयर्स भी इसको सुन ले तो अच्छा है। सीन ऐसा है कि तुम अपने फ्री फायर को क्लियर कैची किया करो। अगर तुमने काफ़ी टाइम से डाउनलोड की हुई है और फिर से अपडेट ही कर लिया तो क्लियर कैची करो। अगर री इंस्टॉल करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसे जो उसकी सारी फाइल्स क्लीन हो जाएंगी, न्यू डाउनलोड हो जाएंगी। बट अगर नहीं कर सकते तो तुम लोग क्लियर कैची करो। वो किस तरह करें, सिंपली जाओ ऐप्स के अंदर जो अबाउट ऐप का ऑप्शन होता है, यानी फ्री फायर के अंदर जाओगे तुम्हें अबाउट ऐप का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है और वहाँ पर तुम्हें क्लियर कैची ऑप्शन मिल रहा होगा। सबको पता है ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, तुम लोग ये अप्लाई कर लेना, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लैग कम देखने को मिलेगा। और एक और बात कि अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक लाजमी करना है, क्योंकि इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा लाइक फिक्स हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ में तुम लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और एंड स्क्रीन पर भी वीडियोज़ वगैरह शो हो रही हैं, इसी वीडियो में आ जाओ यार, मैं इसी वीडियो में बैठा हूँ। गेम लूप वाली सेटिंग और भी एक दो वीडियोज़ हैं, तो एंड स्क्रीन पर आ जाओ, ठीक है।